थाना सदर बड़ा उरखरा में उस समय सनसनी फैल गई जब 16 बीघा मैदान पर झाड़ियों में किशोर की लाश देखी गई। देखते ही देखते मैदान में भीड़ जुटना शुरू हो गया। थाना सदर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मैदान में पड़े शव की पहचान पास के थाना सदर राजपुर चुंगी प्रेम नगर के रहने वाले सज्जन सिंह के पुत्र दुल्लू अली हुसैन के रूप में हुई है। लाश के पास ही खून से सनित पत्थर और फावड़े के टूटे हुए डंडे पड़े हुए थे। मौके पर एसपी सिटी भी पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 16 साल का अली हुसैन शुक्रवार शाम 7 बजे के आसपास घर से निकला था। उसके बाद वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी लाश मिली। परिवार के लोगों को साथ में रहने वाले लड़कों पर हत्या करने की आशंका है। अली हुसैन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। अली हुसैन एसी का काम भी किया करता था। वहीं पिता सज्जन सिंह आर्मी में 509 में कर्मचारी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। एरिया के महानगर में एक डेड बॉडी की सूचना जो है वो मॉर्निंग में मिली थी, और सूचना मिलते ही सभी लोग मौके पे पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट और सभी लोग अभी मौके पे पहुंचे हुए हैं। बॉडी की शिनाख्त हो चुके हैं, उनके परिवारजन भी जो है वो यहीं पे आए हुए पहचान करने हेतु। इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन निकल चलेगी और जल्दी इसका पता लगाने की कोशिश की। परिवार के लोग सर क्या बता रहे हैं, कौन है ये, कब निकला था घर से? ये लड़का जो है ये करीबन 16-17 वर्ष की उम्र है। इलेक्ट्रिशियन का काम ये करता है, और घर वालों के अनुसार हो सकता है कि कल रात को ही ये घर से कहीं निकल गया हो सकता है किसी दोस्त के साथ निकल गया हो, या किसी को मिलने के लिए निकल गया हो यहाँ पे। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फिर देखा जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। फोरेंसिक टीम को इसमें लगाया गया है, सारी चीज़ें यहाँ से उठवाई गई हैं। उसमें विवेचना में क्या उपयोग होता है देखा जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज़। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।